अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये और ये है इन लोग। तो अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने जो सलमान खान की आई है भारत। तो अभी वैसे आज घर जाने का था लेकिन प्लान हो गया मूवी देखने का। तो ये सभी गुलस्ता वगैरह बोलने लगी, गुलस्ता आर्यन और ये मामू की लड़की, ये बोलने लगी कि आज रुक जा और आज मूवी देखने चलेंगे एक दिन और। तो बस इसीलिए अब बच्चे ज़्यादा चेटते तो मना नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं मूवी देखने। और यहाँ पर एक नई टॉकीज खुली है इसलिए और जा रहे हैं क्योंकि जो पुरानी है तो वो ठीक नहीं है। अभी जो है नया गोल्ड सिनेमा खुला है तो हम उसमें जा रहे हैं। ईद पर ही जाते हैं हमेशा एक बार फिल्म देखने। हाँ, सलमान ईद पर ही जाते हैं एक बार फिल्म देखने। ये तो सलमान खान की पिक्चर आती है जब भी जाते हैं। और अभी इस टाइम पर टाइम हो रहा है कितने बज रहे हैं, 3:30 है, 3:30 हो रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो दोपहर तो बहुत है लेकिन अब मूवी देखने आना है तो धूप में निकलना। तो बस अभी मिलते हैं टॉकीज में जाके। तो अभी हुआ है मूवी का एंड पे और हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए बाहर। तो बस अभी देखते हैं। और यहाँ की टॉकीज तो है मुरैने सबसे अच्छी है ना, थिएटर अच्छा थिएटर है, अच्छा पसंद आया क्योंकि मुरैने पहले ऐसा नहीं था, अब पहली बार मतलब ऐसा देखा है तो काफ़ी अच्छा लगा। और बस यहाँ की मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो इन लोगों को मजा आया है, इन्हें बहुत खुश हो रही है हम भी आके। तो बस अभी कुछ ले रहे हैं, देखते हैं और आ जा सबके आइसक्रीम ले रहे हैं। मूवी का एंड हो चुका है, अब चलते हैं मार्केट, चलो। तो एक बार मैं आप लोगों को अपने यहाँ का सिनेमा हॉल दिखा देती हूँ। ये है हमारे यहाँ का पूरा सिनेमा हॉल, ये नया बना है यहाँ पर और बहुत अच्छा है। यहाँ पर पूरी फैमिली आती है और ये हमारे शिवपुरी से ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया, हम सभी को पसंद आया। तो बस अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और हम जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर आए वैसे ही हमें एक स्टॉल मिला और यहाँ पर जो है ये सारी नमकीनें मिक्स करके इसमें नमक जो है प्याज टमाटर धनिया नींबू और कुछ मसाले भी थे वो मिक्स करके दिए भैया ने, तो काफ़ी टेस्टी लगे। मैंने बोला पहली बार इसको ट्राई कर रही हूँ तो इसलिए इतना हमने बनवाया और खाया तो सभी को पसंद आया। तो अब ऐसा ही मैं घर पे भी ट्राई करूँगी क्योंकि ये जो टेस्ट हमें पसंद आता है वो बार बार खाने का मन करता है। तो बस अभी हम आ गए हैं यहाँ से जो है सिनेमा हॉल से थोड़ी दूर चल के एक छोटा सा मेला लगा हुआ था जो कि हर जुमेरात को लगता है यहाँ पर। तो बस हम उसी में आए हैं और यहाँ पर हम खा रहे हैं आइसक्रीम क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले ठंडा ही खाने का मन करता है क्योंकि हमने जो है नमकीन वो मसाले वाली नमकीन तो खा ली है, अब ठंडा खाना है। और इन्नू जो है गुलफ्सा की गोद में तो बार बार उसके इयररिंग में जो है उंगली डाल देती है, पकड़ लेती है, इसी वजह से मैं भी इयररिंग वगैरह ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, आप लोग देखते हैं क्योंकि वो खींचतानी करती है। तो बस अभी जैसे ही हम आइसक्रीम खाने लगे तो इन्नू भी बोलने लगी मुझे भी खिलाओ, तो बस मैं उसको खिला रही हूँ और वो जो है तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वो तोड़ नहीं पा रही है दबा के। तो अभी रात का टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और हम जो है मार्केट से आ गए थे 7:30 या 7:45 बजे तक क्योंकि पिक्चर छूटी फिर उसके बाद हम जो है पास में ही एक मेला लगा हुआ था, छोटा सा मेला था, खाने पीने के सामान और कपड़े वगैरह बिछ रहे थे और भी बहुत सारा सामान था। तो बस वही घूम रहे थे फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। और बस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पैकिंग की क्योंकि एक बार पैकिंग तो होती है जब हम आते हैं जाते हैं कहीं पर तो पैकिंग करते हैं और फिर जब हम वापस जाते हैं घर तब भी पैकिंग कर रहा था क्योंकि ये सारा सामान जो है बिखर गया था, कपड़े वगैरह मतलब मैं ऐसे ही रख दे रही थी। एक दो बार मैंने सही भी करके रखा था लेकिन जब निकालते करते हैं ना बच्चों के कपड़े तो हो जाते हैं और फिर बैग में रखे हुए इसलिए। तो बस अभी ये मैंने सारा सामान जो है निकाल के रख लिया है और मैं बस अभी से पैकिंग कर लेती क्योंकि सुबह हमें निकलना है 8 बजे, 10 बजे की जो है हमारी बस है
और यहाँ से हम 8 बजे जाएंगे, तब जाके मतलब 1 घंटा तो लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आधा घंटे पहले अगर पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा। तो अभी ये पैकिंग कर लेती हूँ, और आज खाने में बना है दाल चावल, क्योंकि बस हल्का फुल्का खाने का मन था, और वहाँ पर भी खा कर ही आए थे, तो बस अभी तो खाना नहीं है फिलहाल, लेट खाएंगे। तो बस दाल जो है मैंने बनने रख दी है, और चावल जो है गुलगप्पा बना लेगी। तो जब तक जो है दाल बन रही है उसने टाइम में ये पैकिंग जो है मैं कर लेती हूँ, और ये देखो वेटू वेटी है। और बस, और मैं एक चीज़ और आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, जो मुझे मम्मी ने सूट दिलाया है वो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि ये सूट मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि मम्मी जब अपने लिए कपड़े लेने गई थी तभी मेरे लिए सूट लेकर आ गई थी, क्योंकि उनको अच्छा लगा था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं लेकर आती हूँ। और उन्होंने मुझसे बोला था कि सूट लेकर आई हूँ, लेकिन देखा नहीं पाया, और मैं भी भूल गई कि मम्मी सूट बता दो, तो कल ही उन्होंने दिया है कि ये सूट है देख लेना, तो अभी तक मैंने खोल के भी नहीं देखा है, तो बस अभी मैं खोल कर देखूँगी तो आपको भी बता दूँगी। और बच्चों के लिए कपड़ों के लिए इन्हों सो रही थी तो जाग गई है, तो बच्चों के लिए उन्होंने जो है कपड़ों के पैसे दिए थे कि कपड़े लेकर आना आज मार्केट से, लेकिन मैंने बोला कि अभी तो इतनी सारी शॉपिंग की है और फिर से भारी भरकम कपड़े खरीदो इतनी गर्मी में, और पहनते हैं नहीं है, क्योंकि नाया की जो दो ड्रेसें मैंने खरीदी थी वो उसने पहनी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इन जो टी शर्ट पहनती है उनमें ही उसको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अभी मार्केट गई थी ना जब मूवी देखने गई थी, तो उधर से लौटते हैं मैंने जो है कुछ गर्मी के कपड़े ले लिए हैं जो गर्मियों में जो है आरामदायक रहेंगे, और मैंने जो है कूलर बंद कर दिया तो कितना पसीना आ गया, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो बस इसीलिए मैंने बच्चों के लिए जो है थोड़े से कपड़े लिए हैं गर्मियों के हिसाब से। तो बस अभी मैं आपको सूट भी दिखा देती हूँ पहले, और बच्चों के कपड़े दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सूट दिखा देती हूँ जो मम्मी ने मुझे दिया है, तो ये है गरारा सूट, और ये काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, क्योंकि गरारे का आजकल मुझे शौक सा चढ़ा हुआ है, गरारा और प्लाजो का, तो मम्मी ने मेरे लिए गरारा लिया तो ये मुझे अच्छा लगा, चलो मम्मी ने मुझे गरारा दिया है। और इसमें जो है गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है, और इसका कलर भी जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और काफ़ी घेर भी है इसके गरारे में, तो ये गरारा तो जो है सिला हुआ है, लेकिन इसकी कुर्ती सिली हुई नहीं है, तो मैं घर पे जाके सिलवा लूँगी। और ये है चुन्नी की सिंपल सी, सिर्फ एक लेस लगी हुई है पतली सी, और ये है इसका कुर्ता, तो ये इसके गले पर कढ़ाई है, और नीचे जो है वही गोटा लगा हुआ है जो गरारे पर लगा है नीचे, वैसे ही दामन पे दिया है, और ये मोती और कुंदन वर्क की कढ़ाई की हुई है, और बटन लगे हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, और कलर भी अच्छा है। तो ये मेरा सूट हो गया मम्मी की तरफ से ईदी, मतलब ईद का सूट, ईदी तो मम्मी ने ईद वाले दिन मुझे दी थी, लेकिन ये ईद का सूट हो गया, और ये मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं हैवी कपड़े जो है ख़रीदना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी आपको पता है कितने सारे कपड़े लिए हैं, इसलिए मैंने लिए, ये मैं गई थी मार्केट तो ये मैं लेकर आई हूँ, तो ये मुझे गर्मी के हिसाब से अच्छे लगे, ये बच्चे पहनेंगे भी रोज़, अगर मैं हैवी कपड़े ले लेती तो वो रख जाते जाकर, लेकिन ये कपड़े जो है मैं उसको डेली पहना सकती हूँ। ये टॉप है, एक फ्रॉक है ये, और इसके नीचे ये एक स्कर्ट है, तो मुझे जैसा पसंद आया मैंने वैसा ले लिया, और इनाया के लिए मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, तो ये 3 कपड़े तो मैंने आलिया के लिए लिए हैं, और इनाया के लिए मुझे सिर्फ ये एक टॉप पसंद आया ब्लैक कलर का, तो ये मुझे अच्छा लगा था, इस पर एक कुंदन वर्क भी हो रहा है और ब्लैक कलर है, तो काफ़ी अच्छा लगा, तो ये कपड़े मुझे मम्मी की तरफ से दिए गए हैं मुझे और भी बच्चों को। तो बस अभी टाइम हो गया है, 11:30 बज गए हैं, और हमारा खाना वगैरह हो गया था 10:30 बजे, और आलिया अभी सो गए हैं, इनाया जब ही सो गई थी जब मैंने खाना खाया था उसके बाद ही जो है वो सो गई थी, तो जल्दी सो गई आज वो, वरना आलिया सोती है जब भी सोती है, लेकिन आलिया अभी सोई है। और आज हमारे यहाँ मौसम जो है इस टाइम पर इतना ठंडा हो गया है, हवा जो है काफ़ी ठंडी चली, अच्छा लग रहा है, इतने दिनों से मैं रह रही थी यहाँ पर तो गर्मी गर्मी गर्मी, रात में दिन में बस गर्मी, लेकिन कल मैं जाने वाली हूँ तो ये हवा का रुख ही बदल गया है, ठंडा मौसम हो गया है, और बस अब कल चलेंगे घर, मेरे मायके का ये आखिरी ब्लॉग रहेगा, क्योंकि अब पता नहीं कब चक्कर लगेगा, क्योंकि
बच्चों की अब जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो फिर कह नहीं सकते कब आएंगे कब जाएंगे। और 28 तारीख से जो है उसकी स्कूल शुरू हो जाएगी, तो फिर तो जब स्कूल की छुट्टी पड़े करेंगे एक दो दिन की तो ही आ सकते हैं। बस अब कल घर चलते हैं, और इतने टाइम बाद मैं पहली बार जो है यहाँ पर रही इतने दिनों के लिए, क्योंकि मैं 26 तारीख को आई थी और कल 7 तारीख है। क्योंकि मेरे आस पड़ोस के लोग और मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे, वो भी मुझे ना बोल रहे थे कि सन्नो पहली बार मुझे यहाँ जो है सन्नो कह के बुलाते हैं। क्योंकि मेरा नाम तो आपको पता है, मेरा नाम शादी के बाद चेंज किया गया था, वैसे मेरा नाम सन्नो ही था, तो सभी लोग मुझे सन्नो ही कहते हैं। तो सब बोल रहे थे कि सन्नो जो है पहली बार मतलब इतना रुकी है, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक घंटे के लिए आना और एक दो घंटे मतलब रुक, मतलब जैसे 11-12 बजे मैं आती थी और 4-5 बजे से चली जाती थी, मतलब 3-4 घंटे मुझे मिलते थे मिलने जुलने के, वो तो बातों में ही निकल जाता है। अगर खाना वाना नाश्ता चलता है बस उसी में निकल जाता है और बस चले जाओ। और दिसंबर में जब मैं घूमने आई थी तो बस 3-4 दिन जब रही थी पहली बार, वो भी ये भी रुके थे मेरे साथ, वरना ये भी जो है कभी ऐसे नहीं रुके हैं, मतलब हम में ही नहीं आई तो फिर ये कहाँ से आएंगे। तो बस पहली बार रुकी, अच्छा लगा। इतनी सालों बाद, 7 सालों बाद जो है अपने हर जगह जो है मैंने घूमी है, गई हूँ, हर वो जो चीज़ मैंने खाई है जो मैं मतलब बचपन में खाती थी, शादी से पहले खाती थी। और आज तो पता है एक मतलब ठेले वाला है, छोटा सा स्टॉल है उनका, पानी टिक्की के नाम बोलते ही मेरे मुंह में पानी आता इतनी पसंद है। तो वो जो है जब मैं छोटी थी ना, जब से ही वो स्टॉल लगाते थे इधर की, मतलब इधर मैं जाती हूँ मार्केट इधर की साइड, तो उधर ही वो है ना गली में लगाते हैं स्टॉल, तो आज वो जो है इधर से निकल गया। उनको हम लम्बू करके बोलते हैं कि लम्बू आ गए, पानी टिक्की वाले लम्बू आ गए, तो आज वो निकल के जा रहे थे और मैं यहीं दरवाजे पर थी, तो मैंने बोला रे लम्बू जा रहे मतलब लम्बू करके बोलते हैं उनको, तो मैंने बोला ये जा रहे हैं चलो पानी की टिक्की पीते हैं। तो आज उनके पानी टिक्की पी काफ़ी टेस्टी लगी और बस मज़ा आ गया। एक बार मार्केट में भी खा के आई और फिर दोबारा से यहाँ भी खाई, तो बस ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। और अपने मायके में मैंने काफ़ी एंजॉय किया, हर चीज़ जो खाई हर चीज़, मतलब देखो ससुराल तो कितना भी अच्छा मिले लेकिन मायके में जो खुशी मिलती है लड़कियों को वो अलग ही चीज़ रहती है। ससुराल तो मेरा अच्छा है, आपको भी पता है मेरे ससुराल वाले और ससुराल घर रहन सहन सभी चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन मेरा मायका भी मेरा बहुत अच्छा है और मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो बस अभी मैं इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी तो मैं सोच रही थी अरे मुझे ब्लॉग का एंड करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि ब्लॉग का एंड नहीं करती हैं, मतलब अच्छे से हो जाता है, मैं वीडियो बनाती हूँ फिर वो भूल जाती हूँ कि ब्लॉग का एंड नहीं करा, और जब वीडियो बनती है तो इसलिए मैं सोचा आज ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि मायके का मेरा आखिरी ब्लॉग है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और मैंने जितने भी दिन रही सारी मैंने चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी, और अब कल से अपने ससुराल की सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे घर जाने वाले ब्लॉग के साथ, यहाँ से लेके शिवपुरी तक का ब्लॉग बनाऊंगी और वो चीज़ आप लोग साथ शेयर करूंगी। तो बस मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।